नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको सॉफ्टी मशीन का डेमो दिखाएंगे। इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। आप ध्यान रखिएगा, इस मशीन को स्टेबलाइजर से ही चलाएं। मशीन चलाने के लिए वोल्टेज 200 से 260 250 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए हमेशा। मशीन चलाने के लिए आपको दो बड़े बाउल चाहिए जिसमें आप प्रीमिक्स को घोलेंगे। साथ में आपको चाहिए दूध। हर एक होपर में आप 4 लीटर दूध डाल सकते हैं, तो आपको 8 पूरा होपर भरने के लिए 8 लीटर दूध चाहिए। सॉफ्टी के प्रीमिक्स चाहिए आपको। आप दो अलग अलग फ्लेवर इस मशीन में डाल सकते हैं, तो आपको एक एक केजी के दो अलग अलग फ्लेवर के पैकेट्स चाहिए। और साथ में आपको चाहिए मिक्सिंग के लिए इस तरह का मिक्सर, जिससे आप दूध और प्रीमिक्स को बाउल में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है, तो ये तन्नू मैडम आपको मशीन चला के दिखाएंगी। मैडम ने अभी तक ये मशीन कभी भी नहीं चलाई है, तो हम ये मैडम को इसलिए लाए हैं कि वो आपको दिखा सकें कि पहली बार भी मशीन को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। हाँ, तो ये मैडम ने दोनों बाउल में 4-4 लीटर दूध ले लिया है। आपको पहले पाउडर डालना है, उसके बाद पहले 1 लीटर दूध डालिएगा और उसके बाद थोड़ा हिला के अब बैक एंड फोर्थ हिलाना है इस तरह से। इसको गोल घुमाने की ज़रूरत नहीं होती, आप तली में टिका के बैक एंड फोर्थ घुमाएंगे तो बहुत अच्छी मिक्सिंग होगी। तो पहले आप 1 किलो पाउडर डालिएगा, फिर उसमें 2 लीटर दूध डालिएगा, उसके बाद 2 लीटर और दूध डाल के ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन में हिलाइएगा तो बहुत अच्छी मिक्सिंग होगी। इसी तरह से आपको दूसरे बाउल में भी इसको भी बैक एंड फोर्थ हिलाना है। अब आप दोनों फ्लेवर के मिक्स को ध्यान रखिएगा, हर एक बाउल में 4 लीटर दूध और 1 केजी प्रीमिक्स है। तो मैडम अब एक एक बाउल को, एक वनीला का बाउल है जिसको मैडम लेफ्ट होपर में डालेंगी और एक स्ट्रॉबेरी का बाउल है जिसको मैडम राइट होपर में डालेंगी। ये देखिएगा, आपको इस तरह से पूरे मिक्स को इस होपर में डाल देना है। इसी तरह से आप दूसरा वाला मिक्स भी, जिसमें कि 4 लीटर दूध है और साथ में 1 किलो सॉफ्टी का पाउडर है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, पहले हमने वनीला फ्लेवर डाला, इसको भी इसी तरह से आपको होपर में डालना है। तो अब मैडम ने दोनों होपर्स में आइसक्रीम का बेस डाल दिया है। देखिएगा, अब मशीन में ऑटो क्लीन टाइम कूल बटन है, तो मैडम ऑटो बटन दबा के मशीन को स्टार्ट करेंगी। ये देखिएगा, मशीन स्टार्ट हो गई है। अब मशीन में देख सकते हैं क्या क्या दिख रहा है। ये वोल्टेज दिख रही है जो कि हमेशा 200 से 250 के बीच में होनी चाहिए। ये मशीन की सेट हार्डनेस है कि कितने हार्डनेस पे हमें सॉफ्टी निकालनी है, और ये मशीन पे अभी करंट हार्डनेस है। तो जैसे ही सेट हार्डनेस और करंट हार्डनेस इक्वल हो जाती है, मशीन कूलिंग और घूमना बंद कर देते हैं, उस टाइम पे आप आइसक्रीम निकाल सकते हैं। तो जैसे आपने अभी 4.5 हार्डनेस सेट करी है, तो आप लगभग 4 हार्डनेस पे भी सॉफ्टी डिस्पेंस कर सकते हैं। अभी शुरुआत में मशीन को लगभग ठंडा होने के लिए लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम देना होता है, तो हम 10 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद हम आपको सॉफ्टी डिस्पेंस करके दिखाएंगे। इतने तक हम मैडम से बात करते हैं कि इस मशीन को चलाना कितना आसान है। मैडम बताइए, आप इस मशीन को चलाना आसान है या कोई मुश्किल है चलाना? जैसा कि मैंने इस मशीन को चलाना स्टार्ट किया, मिक्सिंग करी और मिक्सिंग करके जस्ट पोर कर दिया लिक्विड को, चलाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद सिर्फ ऑटो बटन दबाना होता है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो हम अब देखेंगे कि लगभग 10 मिनट हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि जो सेट हार्डनेस है 4.5 और जो करंट हार्डनेस है लगभग 4.4 तो आ चुकी है। अब हम सॉफ्टी डिस्पेंस कर सकते हैं, तो अभी हमें मैडम सॉफ्टी डिस्पेंस करके दिखाएंगे। मैडम कौन, एक कौन लीजिएगा और आप सॉफ्टी डिस्पेंस करके दिखाइएगा। तो ये मैडम ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर निकाला। मैडम ने देखो, आज तक पहली बार में एकदम सही से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर निकाला है। अब मैडम आप वनीला फ्लेवर भी निकाल के दिखाइएगा। हाँ, तो जैसे कि आज मैडम का फास्ट था, तो उन्होंने सॉफ्टी ट्राई करने के लिए मेरे को दे दी है, और ये एकदम बेहतरीन टेस्ट की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनी है।
तो आप भी आइएगा और हमसे सॉफ्टी मशीन चलानी सीखिएगा। इसी तरह की और मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा संपर्क नीचे कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।